हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ अभी जोशीमठ में और ये है हाथी पहाड़, यहाँ का फेमस। मैं हूँ अभी अपने नानी के घर में, यहाँ काफ़ी बढ़िया फूल हैं और बारिश के बाद यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। अभी आप खुद देखेंगे आगे वीडियो में। और अब मैं जा रही हूँ खेत में। ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं है क्या क्या बो रखा है इन्होंने। आगे देखते हैं, सब्जियाँ तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, हरा हरा। ये बीन्स है शायद से, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है खेती बाड़ी के बारे में। और आगे देखते हैं, इधर तो मक्के हैं, टमाटर ही दिख रहे हैं ज़्यादातर। इधर ये सनफ्लावर है और आगे देखते हैं। और ये है अरबी के पत्ते, इसके हमारे यहाँ पत्यूड़ बनते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अखरोट कैसे निकालते हैं। पेड़ों से मामी मेरी अखरोट तोड़ के लाई है। और ये है मेरी नानी, ये देखिए। आइए पूछते हैं मामी से कैसे निकालते हैं। क्या कर रहे हो आप मम्मी? क्या कर रहे हो? अखरोट निकाल रही है यार, क्या करना है, इनको निकालना पड़ता ना। हाँ वो जंगल पेड़ से निकाल मांगे मुश्किल से, मैं तो पेड़ में जा नहीं पाती। तब हाँ तो कोई नेपाली को बोला, उसको मुसीबत से पेड़ में भेजना पड़ता, तब निकाला। हाँ वो भी थोड़ा बहुत निकाला उसने भी, बस पैसा पकड़े ले चले गए। क्या करना, इनको मैंने कहा एक दफे निकाल के सुखा देंगे, थोड़ा थोड़ा बांट के खा देंगे। बड़ी मेहनत का काम है ये तो। हाँ मेहनत तो है ही, क्या करना फिर, बिना मेहनत का कोई काम नहीं है। सबसे ज्यादा पेड़ से निकालना होता ना घर में, तो चलो जैसे भी करो हो ही जाता। और ये सारे अखरोटियाँ आप सुखाते हुए, और अब मैं आपको ले चलती हूँ मुर्गियों के पास। चलिए ये देखिए, ये हमारी मुर्गियाँ और उनका घर। और अब जानते हैं मामा से पहाड़ी चटनी बनाने की रेसिपी। चलिए पूछते हैं। अभी मैं आप लोगों को पहाड़ी चटनी खिलाऊंगा। इसमें सेब, पके हुए टमाटर और पुदीना, हरी मिर्च, हल्दी, नमक और इसमें चोरू का जड़। और देखो अभी मैं इसको बना रहा हूँ, और उसके बाद जो है आप लोग इसको बड़े चाव से खाएंगे, तो खाने वाले का मुंह में पानी आ जाएगा। हरी मिर्च भी है। हाँ आय ले।